जवन धमाका इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी का शुभारंभ होने जा रहा है। हम हमारे हैं नेताजी श्री टोनीलाल जी का, जो अपना कीमती समय निकालकर इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए हैं। पहले मैं परिचय की ओर चलता हूँ। ये हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कुमार रंजीत जी, ये हमारे डायरेक्टर श्री अविनाश जी, ये हमारे कंपनी के मैनेजर मिस मधु जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही हर्ष की बात है कि आज ओपनिंग के ही दिन 50 से अधिक एजेंटों ने कंपनी में ज्वाइनिंग ली। हमारी कंपनी पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को रोजगार देती है और जमाकर्ताओं को कम समय में ज़्यादा मुनाफा देती है। एजेंट भाइयों से आग्रह है कि गली मोहल्ले गांव शहर जाके कंपनी का प्रचार करें और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लाने का प्रयत्न करें। आपके सपने पूरे होंगे, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस और समय समय पर विदेश की यात्रा कराई जाएगी और अधिकतम कमीशन के साथ में गिफ्ट भी दी जाएगी। एजेंट भाइयों से निवेदन है कि फील्ड में जाएं और अपने लक्ष्य को पूरा करें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि नेताजी अपने हाथों से कंपनी का उद्घाटन। पार्वती बेटी कमला, एक लोटा पानी ले आ, बापू आ गए हैं। पार्वती, दिन रात इसलिए मेहनत करता हूँ कि बेटी कमला को अच्छे घरों में ब्याह सकूँ। आप चिंता मत कीजिए जी, सब पूरा होगा। कुछ तो पैसे इकट्ठे हुए हैं कमला को ब्याह करने के लिए, बस कुछ साल ही रह गए कमला को ब्याहने में। बापू, मैं आपको छोड़ के नहीं जाने वाली। चाचा प्रणाम, चाची प्रणाम, कैसी हो बाना? भैया ठीक हूँ। बेटा राहुल, आज इधर कैसे आना हुआ? बेटी कुर्सी ले आओ। चाचा, एक नई कंपनी आई है जो मनी मार्केटिंग का काम करती है, मैं उसमें एजेंट के तौर पर ज्वाइनिंग किया हूँ। इस कंपनी में पैसा जमा करने पर 3 साल में 1.5 गुना और 5.5 साल में 2 गुना रकम लौटाती है। आप चाहें तो इसमें जमा करा सकते हैं, दूसरे कंपनियों में 10 से 12 साल लग जाएंगे। पार्वती क्या कहती हो, अगर ऐसी बात है तो 5 साल के बाद हमारी बेटी की शादी आसानी से हो जाएगी। बात तो सही है जी, वैसे भी राहुल को हम लोग बचपन से जानते हैं, गलत तो कर नहीं सकता। बस चाचा, फॉर्म पर साइन कर दीजिए।
हमें पसंद है मानो। खोपड़ी है दानव का, दिल है मानव का। पुरखों से मिला छप्पड़ फाड़ के मैं बांटता हूँ गरीब लाचार के। बता तेरे अर्जी क्या है? बाबू, मेरे बेटे दूसरे राज्य में कमाने निकले और शादी कर वहीं बस गए। ना हमारी कोई खोज खबर, ना कोई चिट्ठी, ना संदेशा, मैं क्या करूं? मैं समझ गया, दानवीरो दूसर खरदूसर बाबा को 10,000 दे दे। माई बाप, मेरे बच्चे के पेट में ट्यूमर है, ऑपरेशन के 50,000 लगेंगे, मैं बहुत गरीब हूँ साहब। दानवीरो, इन्हें 50,000 दे दे। अरे नाम नहीं, काम बता। क्या बताऊं सर, मैं बेरोजगार हूँ। मेरे बीबी मायके में छत पे जाके रील्स बना रही थी, नीचे गिर गई, पैर फ्रैक्चर हो गया सर। समझ गया, दूसर खरदूसर, तुम लोग भी बहुत रील्स बनाते हैं। अच्छा, इसे भी 50,000 दे दे। बेटा बिल्ला, ओ भाई, चिकन टिक्का, चिकन बटर मसाला, चिकन चिल्ली, चिकन लॉलीपॉप और दो नॉन, एक प्लेट राइस फ्राई। भाई क्या करते हो? लोगों को बेवकूफ बनाना। बिना बेवकूफ बनाए पैसा आ जाए तो? वो कैसे? मैं डबल धमाका कंपनी का एजेंट हूँ जो मनी मार्केटिंग का काम करती है। लोगों से पैसा उठाओ, इस कंपनी में डालो, ये कम समय में ही दुगुना कर देती है। क्या? और तुम्हें अधिक से अधिक कमीशन भी मिल जाता है। बात तो फायदे की ही है। आप बोले तो अभी जॉइनिंग फॉर्म भर देता हूँ। ऐसा है कि एक महीने के लिए ससुराल जा रहा, वापस लौटते ही जॉइनिंग ले लूंगा। ठीक है, ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड, इसमें मेरा फोन नंबर, ऑफिस एड्रेस है। मैं हूँ तानो, हमें पसंद है मानो। पुरखों से मिला छप्पड़ फाड़ के मैं बांटता हूँ गरीब लाचार के। अब तुम्हें क्या तकलीफ है? क्या कहूँ साहब, तकलीफ ही तकलीफ है। इस बार मेरी बीबी एक सांड के साथ सेल्फी ले रही थी। सांड यू बढ़ का कि 3200 के 3200 दांत झाड़ दिए। मैं बहुत परेशान हूँ साहब। अरे उसे रोकता नहीं है? क्या करूँ साहब, सेल्फी और रील्स का जमाना जो है। समझ गया, यानी तुम्हारे बीबी तुम्हारे हाथ में नहीं है। दूसर खरदूसर, इसे 50,000 और दे दे। हमारी और आपकी राशि कितनी मिलती जुलती है। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सुना है आपकी कंपनी कम समय में पैसे दुगना कर देती है और एजेंटों को मोटी कमीशन देती है। सही सुना। तो मैं आपका कंपनी का एजेंट बनना चाहता हूँ।
ठीक है, इस फॉर्म में साइन कर दीजिए। सही बोला, तुम दोनों तो मेरे जान हो, जान जान। साहब को मेरा प्रणाम। अरे अब क्या हुआ, क्या लेने आए हो? लेने नहीं साहब, देने आया। अच्छा तुम मुझे देगा, बोलो क्या देने आए? मैं डबल धमाका कंपनी का स्कीम लेके आया हूँ, जो कम समय में पैसे डबल कर देती है। इसकी गारंटी क्या है? चाहो तो कंपनी का कागजात देख लो। सर इसकी बातों पे हमको यकीन नहीं हो रहा है। हमने इसकी मदद की, ये हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। दूसन खरदूसन, मेरा तो कोई है नहीं, जो हो तुम दोनों हो। ठीक है, 10-10 करोड़ दूसन खरदूसन के नाम कर, बाकी 30 करोड़ मेरे नाम पे जमा कर। ठीक है साहब, आप तीनों इस पेपर पे साइन कर दीजिए, बाकी डिटेल में समझा देता हूँ। आज कंपनी का 1 साल पूरा हुआ है। आप सभी एजेंट भाइयों के अथक प्रयास से कंपनी बहुत आगे निकल चुकी है, जिसमें सबसे अधिक योगदान मिस्टर राहुल कुमार कर रहा है। तालियां। फिर उसके बाद मिस्टर मधुसूदन, जो 50 करोड़ डिपॉजिट कराकर कंपनी का सारा रिकॉर्ड तोड़ डाला। प्लीज इसके लिए सभी एजेंटों को शुभकामनाएं। अब मैं पुरस्कार वितरण हेतु एक ऐसे अभिनेता को बुलाने जा रहे हैं जो बड़े बड़े फिल्मों में काम कर चुके हैं, मिस्टर संदीप कुमार सैंडी। कमिंग ऑन स्टेज मिस्टर राहुल कुमार। मैं मधुसूदन जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा कि आप स्टेज पर आवे और कार की चाबी अपना स्वीकार करें। सर हमारे कंपनी में तो अच्छा खासा रकम जमा हो चुकी है। कस्टमर सरकारी बैंकों से पैसा निकाल हमारी कंपनी में जमा कर रही है। लेकिन सर ध्यान रहे, अगर हम मैच्योरिटी देना शुरू कर दे तो हम कहीं के नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जो भी शेयर में पैसे लगाए हैं उछाल की जगह नीचे जा रहे हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है मिस मधु, मैंने सब सोचा। वो क्या सर? मैच्योरिटी हम किसी को देने नहीं जा रहे। तो पब्लिक को हम क्या जवाब देंगे? सभी के डिपॉजिट पूरे होने वाले हैं। हम इंडिया से सारा पैसा ट्रांसफर करा के विदेश चले जाए, जिसको मेरे साथ चलना है वो चल सकते हैं। तुम्हारी क्या राय है मिस मधु? मैं तो आपके साथ हूँ। पर मैं इंडिया छोड़ के नहीं जा सकता। ठीक है, तेरे हिस्से के पैसे ट्रांसफर कर दी जाएगी, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। Yes. पार्वती बेटी कमला, मैं काम पर निकल रहा हूँ। और हाँ, कल लड़के वाले आ रहे हैं, घर अंगना का साफ सफाई अच्छी तरह से कर देना। ठीक है जी। रघुनाथ भैया, रघुनाथ भैया, हम सब बर्बाद हो गए। क्या हुआ मंगल? हमने जिस कंपनी में पैसा जमा किए वो भागी है। क्या? देखो अखबार में छपी,
आप तो जानते हैं भैया, बीबी हमारी बड़ी बीमारी से जूझ रही है। किसी पैसे के भरोसे हमने कर्ज ले रखी है, पर हम बदनसीब निकले। बचपन से जानते हैं, गलत तो कर नहीं सकता। कैसी हो बाना? भैया ठीक। अरे खोल दरवाजा। तुमने तो कहा था कि पैसे की गारंटी है। पैसे हमने तुम्हें देख के दिया था, कंपनी का नहीं। पैसा वापस कर। मालूम है कि मैं क्षमा पात्र नहीं हूँ। बेरोजगार होने के कारण ऐसी मकड़जाल कंपनियों के झांसे में आकर फंस गया। आप सबको हमारे ऊपर अटूट विश्वास था। ये हमें खेद है। जिस तरह बड़ी मछलियों को फंसाने के लिए छोटी मछलियों को इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह पढ़े लिखे बेरोजगारों को इस्तेमाल किया गया। सरकार से मेरी अंतिम इच्छा है कि ऐसे कंपनियों को नकेल कसे, ताकि भोले भाले जनता को लूट ना सके। नमस्ते साहब, आप इस हाल में? साला, हमारे पैसे डुबा के तुम अस्टर मन घूम रहा है? आपका दया है साहब। दूसन घर दूसन निकाल ला से रिवर्वल। आज इसे हम लोग पहुंचा कर रहूंगा। ड्राइवर गाड़ी जल्दी भगाओ, नहीं तो धरती छोड़ना पड़ जाएगा। तुझे छोड़ूंगा नहीं। नमस्ते साहब, क्या चाहिए तुम्हें?
साहब मदद मदद। मेरा नाम है दानो, हमें नहीं पसंद है मानो। पुरखों से मिला छप्पर फाड़ के कभी नहीं बांटूंगा झाड़ के। चलो वन मानो, तुम कभी धोखा नहीं देती।